आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने जो शहादत दी थी, जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी का टू नेशन थ्योरी अप्लाई गई थी। हम लोगों ने बाई चॉइस इस मुल्क में रहे हमारे बुजुर्गों ने। शायद हमारे बुजुर्गों को आज ये अफसोस हो रहा होगा, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी कट्टर हो नहीं सकता, इसलिए कि जब भी हम लोगों ने चुना है सेकुलर के नाम पर हिंदू को अपना नेता बनाया, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे बहन जी मायावती रही हो, चाहे और दीगर नेता रहे हो, लेकिन आज हम इस कदर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। हमारे नौजवान जो आज एजुकेटेड है उनको शक की निगाहों से देखा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह और मोदी जी से कि हिंदुस्तान में जब जब ज़रूरत पड़ेगी, चीन, आज आप चीन को हल्के में ले रहे हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ अपनी राजनीतिक सोच से कि आने वाले समय में हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो चीन होगा, और चीन से जब लड़ने की बारी आएगी तो हिंदुस्तान का नौजवान अपने सीने को आगे खड़ा रखकर हिंदुस्तान की आज़ादी में जिस तरीके से हम लोगों ने बलिदान दिया था, अशफाकउल्लाह साहब ने दिया था, आज़ादी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने अपने आप को टैंक के सामने रखकर ये साबित किया कि हिंदुस्तान का मुसलमान कट्टर नहीं, देशभक्त है। असल में इनको भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुद्दे नहीं है। सारे वादे जो उन्होंने किए थे, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, व्यापार चौपट हो चुका है, सारे वर्ग, हमारी बहनें सड़कों पे निकल नहीं सकती हैं। इससे दिमाग हटाने के लिए केवल हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये जुमलेबाजों की सरकार है, लेकिन हिंदुस्तान का हर वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो इन जुमलेबाजों की जुमलेबाजी जानता है। सेकुलर लोग इस के विरोध में हम लोगों के साथ में है। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट करा है वो कैब जो नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है उसके विरोध में हम लोगों ने करा है, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल जो है ये इन्होंने NRC जो लागू करी थी आसाम में, उसमें इनके करीब 16 लाख हिंदू आ गए थे, उनको कवर अप करने के लिए, उनको दोबारा से नागरिकता देने के लिए भारत के अंदर इन्होंने ये CAB बिल लाए हैं। जिस CAB बिल के जरिए वो ये शो करना चाह रहे हैं कि जितने भी विदेश में, यानी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जितने भी हिंदू नागरिक हैं, अगर प्रताड़ित किए जाएंगे तो उनको वो इंडिया में ले लेंगे और इंडिया की जनसंख्या को बढ़ा देंगे, जनसंख्या का विस्फोट हो जाएगा यहाँ पर उन लोगों के बारे में जिनको ये नागरिकता देना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जिसको आतंकवादी कहते थे, आतंकवादी देश घोषित कराना चाहते थे, तो उन नागरिकों को लेंगे। ये अफगानिस्तान को कहते थे तालिबानी देश है, वहाँ SIS है, उन लोगों को यहाँ पर लेंगे। हम लोग उन लोगों के नेचर के बारे में नहीं जानते, वो क्या आतंकवादी हैं, कि लड़ाई दंगे वाले हैं, किस तरह के लोग हैं, उनको ये भारत में लेना चाहते हैं और यहाँ की नागरिकता देना चाहते हैं उन माइनॉरिटीज को। ये कहते हैं कि वहाँ पर वो प्रताड़ित करे जा रहे हैं तो हम अपने भारत में शरण देंगे। हमारे भारत में ऑलरेडी अभी रोहिंग्या मुसलमान पड़ा हुआ था, जिनको इन्होंने नागरिकता NRC ला करके उनको बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं जो इन्होंने बनाई हैं। अगर ऐसे ही लेना है तो उन लोगों को रखें, क्योंकि वो हमारे देश में थे काफी साल से, उनके बारे में हम जानते थे कि वो कोई दंगा फसाद नहीं करते, वो कोई आतंकवादी नहीं, उनको ये आतंकवादी बताते हैं। और जो बाहर से आएंगे, जिनको नागरिकता देंगे अफगानिस्तान या पाकिस्तान को, जो आतंकवादी देश के हैं, उनके वो आतंकवादी नहीं है। जो यहाँ पर रोहिंग्या पड़े थे वो आतंकवादी थे, उनको आपने NRC लगा करके बाहर कर भेज रहे हो। जो इस बिल का मुसलमान बहुत सख्त विरोध कर रहा है और जहां तक हो सकेगा विरोध करेगा। इस बिल को अमित शाह आपको वापस लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो मुल्क के हालात बहुत खराब हो जाएंगे, ये आपको मैं वार्न कर रहा हूं, इस बात को समझिए। जय मीम, जय भीम।